कहाँ जा रही हो भाई? वैसे हर वक्त मुझे याद करती रहती हो, अब आया हूं तो भाग रही हो क्यों? शौहर को याद नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं, बस तुम्हें रोता देखकर काफी परेशान हो गया था मैं। अच्छा मान जाओ ना, अब तो आ गए हूं मैं। अच्छा तुम्हें पता है फुरकान लुबना को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लुबना का भी यही हाल है। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो सामिया? पता नहीं, शुरू दिन से मेरा दिल नहीं मान रहा इस रिश्ते को लेकर। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो सामिया? लुबना तुम्हारी छोटी बहन है और बहुत अच्छी दोस्त भी। देखना वो इस घर में आएगी, उसके बाद तुम दोनों बहुत खुश रहोगे, देख लेना। तुम इस तरह मत सोचो, तुम देखना वो दोनों बहुत खुश रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जल्दी से जाके खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। तुम पता आज मैंने लंच भी नहीं किया। आपने तो सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। हाँ नाश्ता भी नहीं किया था मैंने। जाओ जल्दी लगा दो प्लीज। अरसलान, वो आपने मम्मी पापा से बात की नए घर की शिफ्टिंग की? तुम परेशान मत हो सामिया, मैं कर लूंगा। संभाल के अब ये भी ना गिरा देना, तुम जैसी फूहड़ लड़कियां जो है ना वो सिर्फ बर्बाद करती हैं चीजें। और हाँ, आज मैं अपने बेटों के साथ बैठकर सुकून से खाना खाना चाहती हूँ। अपनी ये रोंदी शक्ल लेकर ना मेज पर मत आना जी। और हाँ, अरसलान पूछे तो कह देना कि मुझे आज भूख नहीं है। मेरा भी पूरा हक बनता है कि मैं अपने बेटों और शौहर के साथ सुकून से बैठकर खाना खाऊं। जी ठीक है। अगर चाहती हो कि तुम्हारे माँ बाप की खानदान में मजीद रुसवाई ना हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। तुम्हारी बहन तो इस घर में आने वाली नहीं, उल्टा तुम इस घर से अपने घर जाओगी। समझ लो इस बात को।